तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब मानना पड़ेगा प्रोजेक्ट के मेकर्स को क्या जबरदस्त माइंड गेम खेला है। देखो ऐसा होता है ना कि सम टाइम अगर आपको अपने प्रोडक्ट को ऊपर उठाना है तो पहले उसकी मार्केट में वैल्यू गिरा दो, जिससे लोगों को लगे कि क्या ही खास बात है इसमें, जिससे लोग इसको अंडर एस्टिमेट करने लग जाएं, और फिर एकदम से रॉयल एंट्री मार के पहले तो सबको चौंका दो और उम्मीद से ऊपर उठा के सबको अपना फैन बना लो। जी हाँ दोस्तों, सेम चीज़ अभी होते देखी है प्रभास की प्रोजेक्ट के। जब इसका फर्स्ट लुक ऑफ पोस्टर रिलीज हुआ था, प्रभास का लुक रिवील हुआ था, लोगों ने भर भर कर कमियाँ निकाली। किसी को भी पोस्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया, इवन मैंने भी क्रिटिसाइज़ करा पोस्टर को कि क्या सस्ता आयरन मैन बना दिया है। पर ये तो बात थी, जिस हिसाब की ये मूवी है उस हिसाब का इसका पोस्टर तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल मैच नहीं खाया। लेकिन भाई साहब जब इसका ग्लिम्स रिलीज हुआ, या यूँ कहो कि टीजर रिलीज हुआ है 21 जुलाई सुबह 2 बजे, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब सभी लोगों ने इस मूवी को कितना अंडरएस्टिमेट कर लिया था, इतना नेगेटिवली जज कर लिया था, कुछ मत कहो। और जब ग्लिम्स निकला सभी के होश उड़ गए। भाई साहब मैं खुद पर्सनली कह रहा हूं, इंडियन हिस्ट्री में इससे बेहतर टीजर शायद ही कोई आया हो अभी तक। मतलब हम सब सालार सालार कर रहे थे, लेकिन गारंटीड प्रोजेक्ट के या कल की 2898 कहो, यह मूवी सालार का भी बाप निकलेगा। भाई साहब इस एक मूवी में वो दम दिख रहा है जो बाहुबली 2 तक के लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को तोड़ देगी, नो डाउट। देखो हम सब हॉलीवुड मूवी देखते ही हैं, तो अगर आपने विन डीजल की रिडिक मूवी देखी है तो यस मूवी की वाइब मैच हो रही है वहां से। लेकिन क्या कॉपी किया है, कहां से कॉन्सेप्ट उठाया है, ये बात की बात है। मेन बात ये है कि इंडियन सिनेमा साइंस फिक्शन के लेवल पर इतनी बड़ी फिल्म बना रहा है, दिस इज द अमेजिंग सर। वाकई में मैं बहुत खुश हूं कि इंडियन सिनेमा अब साइंस फिक्शन की दौड़ में शामिल होना चाहता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, यानी ड्रामा रोमांटिक एक्शन मासी मूवी से बाहर निकलकर। देखो साइंस फिक्शन की ताकत इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पावरफुल है, जिसकी वैल्यू ये मार्वल डीसी वालों ने और हॉलीवुड के कुछ एक क्रिएटर एंड मेकर्स ने पहले ही समझ लिया था, इसलिए इनकी पूरी दुनिया में बोलबाला भी काफी है और मोटी कमाई भी काफी करके जाती है ये। हाल फिलहाल की बात करें तो अवतार 2 जिसे 3500 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया था और लगभग 8000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करके गई थी ये फिल्म, जहां तक मुझे याद है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंकड़ा बिल्कुल करेक्ट है, नहीं है, लेकिन इतना पक्का कंफर्म है कि मूवी ने 8000 करोड़ से ही ऊपर का बिजनेस कर रखा है। इससे ऊपर का ही आंकड़ा आपको मिलेगा अगर सर्च करोगे तब। तो इससे ये पता लगता है कि साइंस फिक्शन की कितनी औकात है और कितना डिमांड है वर्ल्ड लेवल पर। बाकी दोस्तों दिल से कहूंगा प्रोजेक्ट के उर्फ कल की 2898 का ये टीजर ब्रेथ टेकिंग मोमेंट क्रिएट कर गया। वैसे सुपर अमेजिंग टीजर है, प्रभास के लुक्स कितना क्लीन एंड फाइन दिखाया गया है, दीपिका पादुकोण को बहुत अच्छा स्क्रीन टाइम दिया गया है, और द लीजेंडरी बिग बी अमिताभ बच्चन को कितना सुपर एंट्री लुक दिया है, और प्रभास का जो कल्कि का लुक दिया गया है फुल टेक्नोलॉजी से लेस विथ हाई फाई एडवांसमेंट, भाई नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी। मानना पड़ेगा डायरेक्टर नाग अश्विन को, इस बंदे ने प्रूव कर दिया कि ही इज द वन ऑफ फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडिया। और भाई गॉड ग्लिम्स ने तहलका मचा दिया है, पूरा सिनेरियो चेंज करके रख दिया। और सबसे अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस टीजर कि इसका म्यूजिक बहुत दमदार है भाई, बीजीएम का नेक्स्ट लेवल का यूज करा गया है, मतलब साला एक बार के लिए रोंगटे खड़े होने लगते हैं। म्यूजिक बहुत दमदार है भाई साहब, मूवी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैच खा रहा है बीजीएम। कल तक जो प्रोजेक्ट के का पोस्टर देखकर क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज सभी उसी मूवी का ग्लिम्स का उसके टीजर का गुणगान कर रहे हैं। बाकी स्टोरी पैटर्न की बात करें तो दोस्तों कलयुग के पापों का संहार करने के लिए कल्कि का न्यू लुक डिजाइन करा गया है, और आप सभी को बता दूं तो कल्कि माना जाता है विष्णु भगवान का 10वां अवतार जो कलयुग का नाश करेगा। दोस्तों प्रभास का ये लुक, प्रभास का ये कल्कि रूप में एज ए हीरो आना, ये वाकई में है अमेजिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। पूरी मूवी में स्टोरी पैटर्न यही रहने वाला है, बुराई से लड़ने के लिए अच्छाई किस हद तक जाएगी ये सब देखने को मिलेगा। बाकी ग्लिम्स में इतना कुछ रिवील नहीं करा गया है अभी, तो फिलहाल के लिए कुछ भी बोलना स्टोरी के लिए कि क्या होने वाला क्या नहीं बहुत जल्दी हो जाएगी। फिलहाल तो साफ पता लग रहा है कि प्रभास एज कल्कि एक अमेजिंग सुपर हीरो का किरदार निभाएंगे, और मूवी में साइड टाइम ट्रेवल का नज़ारा भी आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। बाकी मूवी को लगभग 600 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनाया गया है नाग अश्विन के डायरेक्शन में, और बात अगर कास्ट की करूं तो आपको प्रभास एज मेन लीड में दिखेंगे, और सपोर्टिंग में आपको दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हसन जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। बात अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो दोस्तों नो डाउट मूवी बहुत जबरदस्त बिजनेस करके जाने वाली है, 2000 करोड़ प्लस का आंकड़ा जाता दिखेगा गारंटीड, और पहले दिन 200 करोड़ का बिजनेस करने में सफल हो सकती है मूवी। दोस्तों मूवी को जनता से काफी प्यार मिलेगा क्योंकि ग्लिम्स ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, सभी को यह टीजर बहुत पसंद आ रहा है। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहले तो ये कि आपको ये प्रोजेक्ट के उर्फ कल की 2898 का ये टीजर, ये ग्लिम्स कैसा लगा? दूसरा ये क्या सालार का भी बाप निकलेगी ये मूवी? तीसरा ये कि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड क्या तोड़ सकती है इस बार? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।